हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। अभी रिसेंटली क्या चल रहा है कांग्रेस पार्टी को लेकर, बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, वो इस्तीफा दे रहे हैं। चाहे वो आनंद शर्मा हो, कांग्रेस समिति से उन्होंने इस्तीफा दिया था हिमाचल प्रदेश की। उसके बाद आज गुलाम नबी आज़ाद, वो एक ऐसे नेता गुलाम नबी आज़ाद हैं जो हर परिस्थिति में अपने आप को कांग्रेस को निकाला है। हर परिस्थिति में उन्होंने पार्टी को संभाला भी है। लेकिन ऐसा क्या कारण रहा, क्या रीज़न है कि उन्होंने अचानक ये फैसला लिया कि वो पार्टी ही छोड़ दिए। तो इसके एक मैं जो मेरी परसेप्शन से ये रीज़न है, सॉरी, कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी उनसे भी ज़्यादा पुराने हैं, जैसे गुलाम नबी आज़ाद हो, आनंद शर्मा हो, और भी कई सारे नेता हैं। लेकिन इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में, सांसद रहे, राज्यसभा सांसद रहे, इसके बाद केंद्रीय मंत्री भी रहे कई सारे। अब जब बात यहाँ पर आई कि कांग्रेस पार्टी डूब रही है, कांग्रेस पार्टी पर नेपोटिज्म का आरोप लग रहा है, तो कांग्रेस पार्टी की डूबती नैया को अब कोई सहारा नहीं मिल रहा है, तो इसलिए अब ये पार्टी छोड़ रहे हैं। छोड़ने का अब मैं आपको कारण बता रहा हूँ। ये कारण है कि इन्होंने 70 साल तक मलाई खाई। उसके बाद जब केंद्र सरकार में आप देख रहे हो कई सारे CBI और ED वगैरह कई सारी जांच एजेंसी हैं विपक्षी नेताओं पर लगा, तो इस बात के लिए डर है कि कहीं केंद्र सरकार या मोदी जी हम पे भी जांच नहीं बैठा दें, हमारी जो संपत्ति है जो लोगों के गला दबा दबा के निकाली है, कई सारे भ्रष्टाचार में लिप्त होकर अपने जीवन काल को बहुत स्वर्ग की तरह बनाया है, उसको लेकर इनको डर है कि कहीं ना कहीं हम इस चीज़ में फंस ना जाए। जैसे आप लालू यादव हों या फिर जैसे कई सारे और नेता हों, ममता बनर्जी के कई सारे मंत्री हों, या फिर और बिहार के नीतीश कुमार के कई सारे मंत्री, रिसेंटली में कितने सारे छापे पड़े थे आप सभी ने देखा। इस बात का गुलाम नबी आज़ाद और आनंद शर्मा को डर है कि उनकी ज़िंदगी तो अब चल गई, जो शायद 70 ईयर्स ओल्ड होंगे गुलाम नबी आज़ाद, तो उन्होंने ये सोचा कि मोदी जी की तारीफ में 4 कसीदे पढ़ दूँ तो हो सकता है मैं CBI ED से बच जाऊँ। यही कारण है, और बाकी उन्हें विचारधारा से, लोगों की भावनाओं से कोई मतलब नहीं है। ये अपने व्यक्तिगत, इनका फैसला है और व्यक्तिगत लाभ के लिए फैसला लिया गया है। तो आप समझ रहे हैं ना मेरी इस बात को। तो अगर इस और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं और भी इस बारे में जानना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को कैसे संभाला जाए, कांग्रेस पार्टी का जो नेपोटिज्म है उसको लेकर, मतलब बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष किसे चुना जाए। अशोक गहलोत जी से इस बात के लिए अप्रोच किया गया था, जो फिलहाल में राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री पद का बहुत बड़ा ओहदा होता है। उसके बाद ये कहने लगे कि हमें कांग्रेस पद अध्यक्ष का नहीं चाहिए। सोनिया गांधी हैं अब, जो वो काफ़ी एजेड हो चुकी हैं, उन पर अब उनकी बीमारी के कारण वो कांग्रेस की पद के लिए अब सक्षम नहीं है। राहुल गांधी, उन्हें योग्यता नहीं है। और दूसरी बात, फिर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, तो इस कोई ऑप्शन नहीं बचा है कांग्रेस अध्यक्ष के लिए। इसके बाद पार्टी की तो ऑफिशियली बात है, कई सारी फजीहत हो रही है और कई सारे नेता उनकी फजीहत कर रहे हैं और छोड़ भी रहे हैं पार्टी। लेकिन अब और आप डिटेल में जानना चाहते हो, मेरा एक पर्सनल ब्लॉग है, वो आप पढ़ सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कांग्रेस पार्टी के डूबती नैया को कैसे बचाया जाए। अगर उससे भी कांग्रेस पार्टी को नहीं समझ आ रहा तो मैं कांग्रेस पार्टी के लिए एक बुक सजेस्ट करूंगा। मेरे पास एक बुक्स है, ये है बुक्स, ये मिस्टर सुनील मिश्रा की बुक्स है, रोड मैप टू बिम। कांग्रेस पार्टी को जरूर इसे पढ़ना चाहिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें पार्टी के लिए दी है कि जो जो बदलने को तैयार नहीं वो जीतने का हकदार नहीं। तो आप समझ रहे हो ना इस बात के लिए कि कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे ये सैनिटाइजर की बोतल है। कांग्रेस नेताओं के साथ यही प्रॉब्लम है, जो उन्होंने इस सैनिटाइज बोतल को सपोज यूज किया, इसके अंदर जो जो मटेरियल है उसको यूज कर दिया, यूज करने के बाद जब ये डब्बा हो गई इसको डस्टबिन में फेंक दिया। ये इस बोतल को डस्टबिन में फेंकने के बाद वो ये समझ रहे हैं कि अब हमने जो इसके अंदर इसको इस्तेमाल किया था सैनिटाइजर को, अब उसका शायद फ़र्क अब हम पे अब नहीं दिख रहा है, तो इसलिए उन्होंने डस्टबिन में फेंक दिया। तो यही चीज़ है अब कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ, यही हो रहा है। उन्होंने इस बोतल को यूज किया जब तक इसमें सैनिटाइजर था, उसके बाद इस बोतल में सैनिटाइजर नहीं रहा तो इन्हें डस्टबिन में डाल दिया। यही है, 70 सालों से यही होता आ रहा है। इसलिए जो पब्लिक है अब ये चीज़ें आप धीरे धीरे समझ रही है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सामने आती जाती हैं। गाइस, अब इसके बाद थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप बाकी की वीडियो में बनाऊंगा, नेक्स्ट टाइम बनाएंगे, अभी मैं ऑफिस में हूँ, ठीक है, इसलिए लॉन्ग वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, बाय, गुड, टेक केयर।